जी आचार्य श्री से मैं जानना चाह रहा था कि एक व्यक्ति जिसने वेद परंपरा का त्याग किया, सनातन परंपरा को छोड़ा और एक अन्य समाज की स्थापना की, जैन समाज, या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने एक अन्य समाज की स्थापना की बौद्ध, तो ये वेद परंपरा का त्याग करने के बाद, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो है वो सब वेदों से है, चाहे हमने कितनी भी प्रगति की हो, चाहे चंद्रयान की बात करें, कुछ भी करें, तो उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा और उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है जी। और विद का शाब्दिक अभिप्राय है जानना जी। जब भी हम किसी चीज को जानना शुरू करते हैं तो वहां से वेदज्ञ होना प्रारंभ करते हैं, वेदों की तरफ चलते हैं जी। तो जो भी व्यक्ति जीवन में दुनिया के किसी पंथ को मानता हो, जब तक वो जिज्ञासु है जी, तब तक वो वेदार्थी है जी। वो वेद में ही विश्वास रखता है, वो ऊपर से कुछ भी कह रहा हो वेद के बिना वो चल नहीं सकता। एक तो ये बात। दूसरी बात हम सामान्य रूप से समझ लें कि चलो हमारी जो परंपरा थी, जितनी लंबी परंपरा होती है उतनी उस परंपरा में खामियां भी आ जाती हैं, उसमें कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें कुछ विकार आ जाते हैं जी। वो विकार इसलिए आ जाते हैं कि परंपरा बहुत पुरानी है, पुरानी जैसे पुराना शरीर, जैसे एक 100 साल का आदमी और एक 20 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा। तो जो धर्म 10 साल का बच्चा है वो थोड़ा ताजा है जी। जो 100 साल का बूढ़ा है वो थोड़ा जीर्ण है, उसे खांसी भी आएगी, उसे उल्टी भी आएगी, उसे दर्द भी होगा शरीर में। ऐसी हमारी चूंकि जो सनातन है वो इतना प्राचीनतम है और उसके जो भावार्थ लोगों ने की अपने अपने ढंग से कर लिए। अब जो उनके आचार्य थे वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक रहे। अब अगर देखिए, जब बौद्ध धर्म की आपने बात की, बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े प्रवर्तक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं जी। महात्मा बुद्ध स्वप्न सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, विद्या को मानते हैं, ध्यान को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं, धारणा को मानते हैं, समाधि को मानते हैं, अल्पाहार को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, सम्यक विवेचना को मानते हैं और षट दर्शन को मानते हैं और 10 जो धर्म के मूल सिद्धांत है उनको मानते हैं। यही तो सारा वेद है। और वो परिक्रमा करते हैं कैलाश मानसरोवर की। अगर भगवान शिव को मानते नहीं तो कैलाश में परिक्रमा करने की जरूरत क्या थी? आर्याम अभयाम बायाम भजे रे रे चित सं Yeah.